विजयादशमी के मौके पर आरएसएस के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्थापना दिवस पर संघ का कार्यक्रम हुआ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 99 साल पूरे होने पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आरएसएस के स्थापना दिवस समारोह पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने लोगों को संबोधित भी किया और स्थापना दिवस के मौके पर हर साल विजयादशमी के दिन संबोधित करते हैं आरएसएस प्रमुख। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी होता है क्योंकि इस दिन जो आरएसएस प्रमुख का संबोधन होता है वो अपने आने वाले समय की रणनीति के बारे में भी बताते हैं और समाज में जो घटनाएं घटती हैं उस पर उनकी क्या राय होती है वर्तमान आर्थिक राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य में काफी महत्वपूर्ण होता है। भारत आगे न बढ़े ऐसा चाहने वाली शक्तियां भी दुनिया में है जिनके निहित स्वार्थ मार खाते हैं भारत के प्रमुखत्व के कारण। वो अपेक्षा तो यही है कि उनका विरोध होगा, तरह तरह की चाले वो चलेंगे, भारत को दबाने का एक विशिष्ट मर्यादा के अंदर ही बढ़ने देने का प्रयास करेंगे। वैसा हो भी रहा है क्योंकि आखिर अभी तक भारत छोड़कर बाकी विश्व ने अपने स्वार्थ की बलि देकर भी दुनिया को बड़ा करने का मार्ग पकड़ा नहीं है। हम ये करते हैं, आज भी कर रहे हैं, सबको मदद करते हैं। हमारी शत्रुता करने वालों को भी आवश्यकता में मदद करने वाले हम हैं। शांति रहे इसलिए अपने हितों का बलिदान भी हमने कई बार किया है और करते हैं। ऐसा स्वभाव दुनिया में नहीं है। अपना देश आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, ऐसे सब क्षेत्रों में भारत आगे बढ़ रहा है। समाज की समझदारी भी धीरे धीरे बन रही है। उसके परिणाम स्वरूप हम ऐसा देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के चुनाव भी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गए। इसका ही परिणाम हम देखते हैं सारे दुनिया में भारत की साख बढ़ी है, प्रतिष्ठा बढ़ी है। वसुधैव कुटुंबकम का हमारा विचार सबको स्वीकार्य है। हमारा योग सारी दुनिया में एक फैशन बनते जा रहा है, लेकिन केवल फैशन नहीं बन रहा है, उसका जो शास्त्र है, उसकी जो परिणाम है, उसको भी दुनिया स्वीकार कर रही है। चुनौतियां तो रहती ही है, अच्छा भी रहता है, दुनिया की हो, देश की परिस्थिति हो। अभी वैज्ञानिक प्रगति का वर्णन करते समय आपने बताया भविष्य के लिए तैयार होना है और भविष्य इस तकनीकी के कारण कई प्रकार की नई सुविधाएं लेके आएगा। आज तक विज्ञान कई प्रकार की सुविधाएं लेकर आया है तो मनुष्य जीवन भौतिक दृष्टि से पहले से सुखी है, परंतु हम देखते हैं कि इतने प्रगत सुखी मानव समाज में अपने स्वार्थ और अहंकार के कारण कैसे कैसे संघर्ष चलते हैं। इसराइल के साथ हमास का जो युद्ध छिड़ा वो अब कितना व्यापक होगा और उसकी आग में कौन कौन झुलसेंगे और दुनिया पर इससे कौन सा संकट आएगा, इसकी चिंता सबको लगी है। बांग्लादेश में क्या हुआ उसके कुछ तात्कालिक कारण और पहलू है, ये बात ठीक है, लेकिन इतना बड़ा उत्पात तो उससे नहीं होता। उस उत्पात के कारण वहां के हिंदू समाज पर जो अत्याचार बार बार होते हैं उस परंपरा को फिर से दोहराया गया। पहली बार वहां का हिंदू संगठित होकर अपने बचाव में रास्ते पर आया इसलिए कुछ बचाव हो गया, परंतु कहीं कोई गड़बड़ हो दुर्बलों पर अपना गुस्सा निकालने की ये जो कट्टरपंथ की प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति जब तक वहां विद्यमान है तब तक वहां के हिंदू क्या वहां के सभी अल्पसंख्यक उनके सर पे खतरे की तलवार लटकी रहेंगी। दुर्बल रहना अपराध है। हम अगर दुर्बल है, असंगठित है, तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। निमित्त कुछ नहीं चाहिए, हम दुर्बल है ये निमित्त पर्याप्त है और इसलिए जहां कहीं भी हम है वहां संगठित रहना, सशक्त रहना,
किसी से शत्रुता नहीं करना, हिंसक नहीं बनना, योगदान देने वाले बनना, परंतु इसका अर्थ दुर्बल रहना नहीं। अब वहां चर्चाएं ऐसी चलती है बांग्लादेश में कि भारत से हमको खतरा है और भारत से खतरा है इसलिए पाकिस्तान को साथ लेना चाहिए, वही हमारा प्रामाणिक मित्र है और दोनों मिलके, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, हम भारत को रोक सकते हैं। जिस बांग्लादेश के निर्माण में भारत की पूरी सहायता हुई, जिस बांग्लादेश के साथ भारत ने अब तक कोई वैरभाव रखा नहीं, आगे भी नहीं रखेंगे, उस बांग्लादेश में ये चर्चाएं हो रही है। ये चर्चाएं कौन करा रहा है? ऐसे वर्णन नैरेशंस वहां पर चले, ये किन किन देशों की हित की बात है? ये तो देखने वाले, सोचने वाले समझते हैं, नाम लेने की आवश्यकता नहीं। हमारे देश में भी ऐसा हो ये इच्छा है, क्योंकि भारत बड़ा बनेगा तो सब स्वार्थ की दुकान तो बंद हो जाएंगी।